हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन स्वीट फूड। आज हम बनाएंगे अंगूर की खट्टी मीठी चटनी। बहुत बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हरा धनिया, इसके साथ मिंट भी ले सकते हैं, और थोड़े से अंगूर, अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वान्टिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेंगे मिक्सर जार और उसमें इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे। हरा धनिया साथ में डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और अंगूर। ग्रेप्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम में आने वाला अंगूर थोड़ा खट्टा ज़्यादा होता है, तो उससे ये बहुत अच्छी बनती है चटनी, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा वाइट नमक, आप इसकी जगह पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे काला नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर की जगह आप साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम बहुत थोड़ा सा पानी, चटनी को पीसने में हेल्प करेगा। और अब इसे हम पीस लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पीस लिया है मैंने इसे, चेक करेंगे, ये देखिए इस तरह से रेडी हो गई है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम ग्रीन कलर आया है इसमें। बहुत बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे किसी भी स्नैक्स वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, बिरयानी, पुलाव, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग लगती है, सर्व कर लेंगे अब तो। ट्राई ज़रूर करें और फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।